गुड इवनिंग प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक बेहतरीन नई कक्षा की शुरुआत में। बच्चे आप बहुत दिन से कह रहे थे सर साइंस में केमिस्ट्री कब पढ़ाएंगे, वो वक्त आ चुका है, वो दिन बच्चे आज आ चुका है जहां पर आप पढ़ोगे केमिस्ट्री का एकमात्र ऐसा मास्टर वीडियो जहां से आपकी केमिस्ट्री आपकी पूरे के पूरे प्रश्न आप सही कर दोगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, केमिस्ट्री जिससे आपको डर लगता था वो सारे प्रश्न बच्चे हमने निकाल लिए हैं। वो सारे के सारे एनसीईआरटी और लूसेंट के प्रश्न मैंने आपको निकाला, और निकालने के बाद बच्चे इसके तीन पार्ट में पढ़ाऊंगा। आज पहला पार्ट है, फिर इसके बाद कल दूसरा पार्ट, कल तीसरा पार्ट, और तीन पार्ट में केमिस्ट्री खत्म और फिर फिजिक्स पढ़ा देंगे। और आप सभी को मालूम है भैया, अपने बिहार पुलिस के एग्जाम में केमिस्ट्री और फिजिक्स और बायो से 35 क्वेश्चन आने हैं, जीके जीएस के 37 प्रश्न आने हैं, और 37 में से 35 प्रश्न आपके साइंस से आने हैं जो आपको मैं पढ़ाने वाला हूं। एकदम बेहतरीन और शानदार तरीके से बच्चे आप पढ़ रहे हो। तो एक बार बच्चे सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, क्योंकि आज की क्लास है ना, आज की क्लास रचेगी इतिहास। तो मेरे बच्चे आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। हमारे साथ राजन कुमार है, मिस्टर जेपी है, आदि पाल है, जूली कुमारी है, राजन। चलिए तो भैया, 1.5 से 2 घंटे की क्लास आज होने वाली है, बस आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। ऐसी क्लास बच्चे पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। टॉपिक वाइज क्वेश्चन को निकाला है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन को निकाला है। उन्नाव की आन बान शान जो लगा दे बिहार पुलिस में जान, ऐसे हमारे सचान सर को नमन, बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी प्यारी लाइन लिखी है, चलो आ जाओ। दिस इज माई फर्स्ट क्लास गुरुजी अनमोल। तो बच्चे वीडियो को लाइक करना और वीडियो को भाई शेयर करना। अब मैं चलता हूं अपना काम करने, और आप भी अपना काम करने के लिए तैयार हो जाओ। भैया ये बिहार पुलिस के लिए 2 इंपॉर्टेंट बुकें हैं, इनको जाकर बच्चे ले लो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। किस पब्लिकेशन की है? चच्चू पब्लिकेशन की है। चलो आ जाओ भैया, बहुत प्यारा सा मोटिवेशन लाइन आप सबके सामने है। चलिए, बहुत प्यारा सा मोटिवेशन लाइन आप सबके सामने है। भैया इन लाइनों को मैं पढ़ूंगा, तब तक आप सभी लोग 300 पार निकलो। और भाई मेरे, आते ही लाइक कर दिया करो बाबू, आते ही लाइक करो। तो चलो, लिखा है अभी तो केवल सहनाइयां बाजी हैं, अभी तो केवल सहनाइयां बाजी हैं, ढोल बजने अभी बाकी हैं। बिल्कुल, जब आप बच्चे नौकरी लोगे ना, तब भैया पड़ोसी के भांगड़ा तो बजाना ही है, जो जलता है तुमसे। अभी तो केवल सहनाइयां बाजी हैं, ढोल बजने अभी बाकी हैं, अभी तो केवल गौरैयों ने उड़ान भरी है, असली बाज की उड़ान बाकी है, असली बाज की उड़ान बाकी है। आप वो सिकंदर हो कि वो सिकंदर कभी हालात के आगे नहीं झुकता, आप वो बाजीगर हो बच्चे, जो बच्चे आस ना भी हो तब भी बेटा आप सफल हो सकते हो। चलिए एक बार आप सभी लोग वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। चलो तो एक बार सभी लोग क्या लाइन मारी है, आ जाओ जल्दी से। सभी लोग वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। चलो भैया, सभी लोग अपना अपना लाइक का बटन दबा दे, क्योंकि अब खुलने वाला है पट। बच्चे आ जाओ, ये हमारा बिहार पुलिस का गंगाजल बैच चल रहा था 2.0, अभी भी बच्चे ऑफर चल रहा है। 999 का बैच है, और 999 के बैच में बच्चे आपको वहां पर क्या डालना है, बिहार50 कूपन कोड डालना, बिहार50 कूपन कोड डाल देना, बिना स्पेस के डालना है बेटा। और 900 का बैच बेटा अभी भी आपको 500 में मिल जाएगा, आधे में मिलेगा। कहां? तो फिनिक्स अकेडमी उन्नाव का एप्लीकेशन है, नंबर आईडी डालना, रजिस्टर्ड हो जाना बच्चे, नंबर आईडी डाल के। ये प्यारा सा बच्चे आपका नंबर है, इस नंबर पर जैसे आपको हमसे भी बात करनी है, अगर कोई क्वेरी है तो आप हमारी टीम के पास ये फोन रहता है, आप उस पर फोन करिए, कह दीजिए सर से बात करा दो, अगर कोई दिक्कत है वो करा देंगे और हम आपको बता देंगे, ठीक है। चलो अब हम लोग चलने वाले हैं बेहतरीन अंदाज में। भैया मैं आपको बता दूं बच्चे,
मैं आपको बता दूं कि जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज रसायन विज्ञान, हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, रसायन विज्ञान यानी जिसको आप कहते हो केमिस्ट्री। तो रसायन विज्ञान के थोड़ा सा मैं बता दूं कि जो रसायन विज्ञान है उसके कितने बेटा पार्ट आएंगे। तो रसायन विज्ञान को पार्ट तीन बचे, आज पार्ट वन आया है और कल बेटा पार्ट टू आएगा और परसों आपका पार्ट थ्री आएगा। तीन पार्ट में चाहे वो पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन हो, धुआं धुआं कर दोगे बच्चे, धुआं धुआं कर दोगे। चलिए अब बिना देरी के हुए क्लास को स्टार्ट करता हूं। आ जाओ भैया, वो सारे प्रश्न मैंने निकलवाए हैं, वो सारे के सारे प्रश्न निकलवा दिया है जिससे आप बच्चे आसानी से क्वेश्चन कर पाओ। पहला लिखा हुआ है रॉक साल्ट, भैया क्या लिखा हुआ है रॉक साल्ट, समझना। देखने में क्वेश्चन कठिन है लेकिन धुआं उड़ा दोगे। राग साल्ट किसका अयस्क है जल्दी से बताओ, राग साल्ट बेटा किसका अयस्क है। अयस्क का मतलब है जिससे वो बना है, अयस्क का मतलब इंग्लिश में ओर कहते हो क्या, ओर। तो भैया बताओ राग साल्ट किसका अयस्क है। आप कहोगे सर जी ये सोडियम का अयस्क है। किसका है बच्चे, सोडियम का। अब देखो क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आपके सोडियम के, सोडियम से कितने प्रश्न बन सकते हैं वो देखना, सोडियम के कितने प्रश्न बनते हैं। पहला देखो सोडियम को डिनोट किससे करते हैं, आप कहोगे Na से करते हैं, Na से। सोडियम का बेटा पूछ लिया जाए परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 11 होता है, कितना 11। और बच्चे परमाणु भार कितना होता है, आप कहोगे 23 होता है, क्लियर हो गया। अब पेपर में आता है सोडियम सर जी बहुत क्रियाशील है, कैसे पता चला। भैया क्रियाशीलता पता करना है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो। तो भैया पहले कक्षा में 2 आएंगे, दूसरे में 8, 2 10 और हाथ है 11, तो लास्ट वाले में कितने जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा ना। तो भैया जिसके बाहरी कोष में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, जैसे तुम आप घर में, मम्मी लोग सब चली गई, घर में देखा होगा जब अकेले होते हो ना तो खैया भैया खूब उत्पात मचाते हो, है ना, कोई ये चीज उठाओगे यहां रख दोगे, ऐसे ही बेटा ये सोडियम है। सोडियम याद कर लेना, जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया तो इसके सिंगल बच्चे बाहरी खाने में, बाहरी उपकोष में सिंगल इलेक्ट्रॉन आया, इसलिए ये बेटा बहुत क्रियाशील धातु है। तो आप इसको क्या बोलोगे, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, क्रियाशील धातु है। तो भैया अगर क्रियाशील धातु है तो इसको रखोगे कहां, इसको बाबू रखोगे कहां, तो ये क्रियाशील है तो इसको बाहर खुले में मत रख देना, खुले में मत रख देना, आग लग जाएगी बच्चे। तो इसको रखते हैं किसमें, मिट्टी के तेल में, लिख लो मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम को किसमें रखते हैं, मिट्टी के तेल यानी कैरोसिन आयल, जिसको आप कहते हो कैरोसिन आयल, मिट्टी के तेल यानी कैरोसिन आयल में किसमें रखा जाता है, सोडियम को। अब पेपर में आया, जैसे तुम पनीर जानते हो, पनीर जैसे, पनीर को बेटा आप ऐसे काटो चाकू से तो वो आसानी से कट जाती है, ऐसे ही बच्चे याद कर लेना सोडियम भी है जिसको आप चाकू से काटा जा सकता है। तो लिख लो चाकू से काटी जाने वाली धातु, पेपर में आ जाता है, बड़ी सॉफ्ट मेटल है जिसको चाकू से काट सकते हो, तो चाकू से काटी जाने वाली धातु बताओ। तो बच्चे आप कहोगे चाकू से काटी जाने वाली मेटल कौन सी है, तो आप कहोगे सोडियम है, सोडियम है, याद रखना। और ये रॉक साल्ट किसका है, सोडियम का अयस्क है बच्चे। अब अगला प्रश्न देखो, यहीं से और अयस्क लिख लो, जैसे बेटा पारे का आता है, नोट करते चलना भैया, पेन कॉपी मेरी क्लास में लेकर बैठा करो, एक क्वेश्चन से 10-10 क्वेश्चन आपको नए बता देंगे, नए बता देंगे। पारा जिसको बोलते हो HG, पारे का बच्चे एक से बता दो। तो बाबू पारे का क्या होता है, पारा देखोगे सिनेमा, तो सिनेबार किसका होता है, पारे का, लिख लो सिनेबार किसका एक से, लिख लेना पारे का है। अगला पूछा जाए सर जी चांदी का बता दो, तो भैया चांदी को कैसे याद करोगे,
चांदी का एक्स बच्चे चांदी को ए जी से डिनोट करते हैं। ए जी सुनो, जी सुनो बाबू, ए जी मतलब याद कर लेना, ए जी बोलते हैं किसको, चांदी को। अब चांदी तो हम लोग ऐसे घर में रखेंगे नहीं, क्योंकि चोर चुरा ले जाएंगे, तो चांदी को हम लोग अर्जेंट बनवाते हैं ना, तो चांदी का एक्स क्या है, तो आप कहोगे अर्जेंटाइट है। चांदी का एक्स बच्चे लिख लो अर्जेंटाइट। अर्जेंटाइट किसका है, चांदी का है। अब आ जाओ सर जी, चांदी का पता चल गया कि बताओ बच्चे थोरियम, आपने नाम सुना होगा थोरियम, ये बड़ा पेपर में आया, थोरियम का एक्स बताइए। थोरियम को टीएच से डिनोट करते हैं, टीएच से डिनोट किया जाता है। थोरियम का एक्स बताओ, मोना डार्लिंग, मोना डार्लिंग बच्चे, मोना बच्चे, मोना जाइट होता है, लिख लो ऐसे याद करोगे, ऐसे करो मोना डार्लिंग, थोड़ा नाचो बच्चे, थोड़ा थोड़ा से थोरियम, तो बच्चे याद कर लेना मोना जाइट किसका एक्स होता है, तो लिख लेना मोना जाइट किसका होता है, थोरियम का होता है, लिख लेना मोना जाइट किसका एक्स होता है, थोरियम का। बच्चे अगर अच्छा लग रहा हो ना बच्चे, धुआं उड़ा दोगे, बस आप लोग लाइक करते चलना, शेयर करते चलना, बस इतने एक्स आपके पूछे जाते हैं बार बार। और लिख लो, चाहे सोना का लिख लो, सोना बाबू लिखो, सोना का बता दे रहे हैं बाबू, लिख लो सोने का, जल्दी से लिखो। तो सोना का आप कहोगे सर जी कैल्वेराइट होता है, क्या कैल्वेराइट, सोने का एक्स होता है कैल्वेराइट, ये क्वेश्चन कई बार आया, क्लियर। चलो भाई सारे के सारे लिख लो जल्दी से बेटा, एक बार 400 पार हो वीडियो को, 400 पार करो। सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी, अरे सूरज भाई मेरे भाई, पीडीएफ फ्री एप्लीकेशन में मिलेगी, ये मेरी गारंटी है, कल जब ना दूं तब बेटा मेरा वादा टूट जाएगा। लिखा है किस कार्बनिक पदार्थ का उपयोग भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किया जाता है, किस कार्बनिक पदार्थ का उपयोग भारी मशीनों में, जो हैवी मशीनें होती हैं, भारी मशीनें होती हैं, उनमें स्नेहक, स्नेहक का मतलब है लुब्रिकेंट, स्नेहक का मतलब है बेटा लुब्रिकेंट यानी चिकनाई के रूप में। तो बच्चे जल्दी से बताओ किस कार्बनिक पदार्थ का उपयोग भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में करते हैं, तो आप कहोगे सर जी ग्रेफाइट का यूज किया जाता है, ग्रेफाइट लिख लो, इसका राइट आंसर क्या बताओगे, ग्रेफाइट बता देना, इसका राइट आंसर आप क्या बताओगे, ग्रेफाइट। तो याद रखना भारी मशीनों को चिकना करने के लिए ग्रेफाइट का यूज किया जाता है, और ग्रेफाइट बच्चे लिख लो, पेंसिल की जो राड होती है ये किसकी बनी होती है, तो पेंसिल की जो राड है ये ग्रेफाइट की बनी होती है। अगला लिख लो, आप लोगों के यहाँ किसके किसके यहाँ बेटा एलसीडी है, एलसीडी आपके घरों में लगी होगी, बच्चे आप लोग नाटक वगैरह देखते हो, तो याद रखना एलसीडी स्क्रीन में, एलसीडी की स्क्रीन में बेटा किसका यूज किया जाता है, एलसीडी की स्क्रीन में लिख लो, एलसीडी की टच स्क्रीन में बेटा ग्रेफाइट का यूज किया जाता है, ये भी लिख लेना ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। अब पेपर में आएगा सर जी जो ग्रेफाइट है एकमात्र ऐसी धातु है, लिख लो एकमात्र ऐसी धातु है जो चमकती है, लिख लो एकमात्र ऐसी धातु, लिख लो ऐसी धातु जो बेटा किसमें पाई जाती है, टीवी स्क्रीन में, और याद रखना और ये कार्बन का अपर रूप है, किसका कार्बन से बना है, कार्बन का अपर रूप है बाबू, किसका कार्बन का, आप लिख सकते हो एक एक क्वेश्चन कर सकते हो भाई, जो कंटेंट दूंगा ना वो कंटेंट सबसे अलग होगा, एक क्वेश्चन से 10-10 क्वेश्चन आप करके जाओगे, एक क्वेश्चन से 10-10 क्वेश्चन करके जाओगे, बस आप सभी लोग वही प्यार वही जुनून वही जज्बा आपको दिखाना है, और वीडियो को भाई लाइक कर देना है, लाइक करो जितने साथी हैं एक बार बच्चे वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को शेयर कर दो। चलो पहली स्लाइड आपकी होती है फिनिश, अगली स्लाइड की तरफ चलता हूं बेहतरीन तरीके से, स्क्रीनशॉट जिसको लेना हो तो ले ले, फिर हम लोग बढ़े अगले पर। चलो अगले में आए, ले लिया होगा। लिखा है सामान्य वायु के मिश्रण में कौन सी गैस उपस्थित नहीं होती, जो सामान्य वायु है नेचुरल बेटा एयर है, उसके मिश्रण में कौन सी गैस प्रेजेंट नहीं होती, इसका राइट आंसर बता दो। तो भैया सामान्य वायु में कौन सी गैस उपस्थित नहीं होती, ये पूछा गया है, ऐसी कौन सी गैस है जो नेचुरल हवा में होती ही नहीं, बच्चे बता दो कौन है।
प्रिया गुप्ता ऑब्जेक्टिव पढ़ाइए। अरे बिटिया ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहा हूँ, कोई सब्जेक्टिव नहीं पढ़ा रहा हूँ। चलो जल्दी बताओ इसका राइट आंसर, बताओ शेरो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर जी क्लोरीन। क्लोरीन याद रखना, क्वेश्चन को बहुत पूछा गया। क्लोरीन को डिनोट किससे करते हैं? सीएल। अब देखो क्लोरीन का यूज कहां पर करते हैं? बस दो जगह यूज करते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन का उपयोग लिख लो, पहला लिख लो पानी को शुद्ध करने में। पानी को शुद्ध करने में बच्चे, पानी को शुद्ध करने में यूज किया जाता है क्लोरीन का। सर जी कैसे? तो पानी को शुद्ध करने में यूज करते हैं। सर जी हमको ये पता न चला कैसे पानी को शुद्ध करता है। तो भैया आपने नाम सुना है ब्लीचिंग पाउडर का, तो ब्लीचिंग पाउडर जिसको आप कहते हो CaCl2, क्या बोलते हो? ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला तो मालूम ही होगा आपको। तो ब्लीचिंग पाउडर बच्चे फार्मूला बताओगे CaOCl2, बच्चे लिख लेना। अब देखो Cl आया, Cl बोले तो क्लोरीन, यानी पानी को शुद्ध करने में किसका यूज किया गया? ब्लीचिंग पाउडर यानी क्लोरीन का यूज किया गया। अब पेपर में आएगा कि जैसे हमने कहा कि तुम लोग आंदोलन खड़ा कर दिया कि भैया बिहार की भर्ती नहीं निकल रही है, और तुम लोग बच्चे 400-500 बच्चे जाके रोड जाम कर दिया, तो पुलिस आप लोगों को बच्चे कंट्रोल करने के लिए किसके गोले दागती है? तो भैया आप कहोगे वो क्लोरीन के गोले दागती है। तो लिख लो पुलिस अतिक्रमण को हटाने के लिए किसके गोले दागेगी? आप कहोगे क्लोरीन के। बच्चे आप पुलिस बन गए तो आपको तो मैं पहले ही बता दिया कि कौन गोला जाके दाग देना? क्लोरीन का। तो आंसू गैस के जो गोले होते हैं, आंसू गैस के गोले वो क्लोरीन के बने होते हैं। आंसू गैस के गोले जो होते हैं वो क्लोरीन के बने होते हैं। और बच्चे आंसू गैस के गोले पुलिस दागती इसलिए है जिससे भीड़ को कंट्रोल कर सके। अरे वो हंसाने वाली गैस अलग है। जो बच्चा ये कह रहा है सर जी वही हंसाने वाली गैस है क्या? बउवा हंसाना कहाँ, हंसते क्या बच्चे? आंख से हो क्या हंसते? वो तो मुंह से हो। तो वो आंसू गैस है। हंसाने वाली गैस पूछा जाए तो नाइट्रस ऑक्साइड लिख लो। हंसाने वाली गैस जिसको लाफिंग गैस कहते हो वो है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। बाबू लिख लेना वो है नाइट्रस ऑक्साइड। तो हंसाने वाली गैस है नाइट्रस ऑक्साइड बच्चा, लिख लो। तो नाइट्रस ऑक्साइड लिख लेना। आप सभी को आसानी से मालूम हो गया कि जो हंसाने वाली गैस है वो नाइट्रस ऑक्साइड है और आंसू गैस वो क्लोरीन है, याद रखना। अब पेपर में आए कि प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ बताइए। तो प्रकृति में सबसे ज्यादा कठोर पदार्थ कौन सा है? जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ। नेचर में प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ, एक क्वेश्चन से 10-10 क्वेश्चन क्लियर कर लोगे बच्चे। तो प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। हीरा बोले तो डायमंड। अब पेपर में आएगी सर जी हीरा की संरचना बताइए। बता रहे हैं बच्चे कहे परेशान हो आप, तो हीरे की संरचना लिख लो। हीरे की संरचना में चार कार्बन होते हैं, ऐसे लिखो। देखो ऐसी संरचना बनी होती है, ऐसी हीरा की संरचना होती है, ऐसे चार कार्बन एमलाग हुआ थे, ठीक है। इसमें चार कार्बन ऐसे लगे होते हैं हीरे की संरचना में, इसीलिए हीरा की संरचना में जब चार कार्बन लगे हैं तो ये इसको कहा गया चतुष्फलकी। इसको क्या कहा गया? चतुष्फलकी, याद रखना। अब देखो हीरा पृथ्वी का सबसे ज्यादा कठोर है, तो भैया कठोरता किससे मापते हैं? भैया कठोरता किससे मापा जाता है मुझे जल्दी से बताओ। हीरा अगर कठोर है तो कठोरता किससे मापी जाती है? क्या कसम खा लिए हो, कसम खा के बैठे हो कि हम शेयर नहीं करेंगे? करो भाई करो, मेहनत करता हूं आपसे ही कह सकता हूं, पड़ोसी से थोड़ा कहूंगा। तो कठोरता किससे मापी जाती है? लिख लो मोह स्केल से मापते हैं। तो हीरे की कठोरता किस स्केल से मापते हैं? आप कहोगे मोह स्केल से मापा जाता है, मोह स्केल। अब देखा होगा तुम बहुत सारी पिक्चर देखे हो, कहते हैं हीरा को चाटने से आदमी मर जाता है। बच्चे बताओ हीरा को चाटने से आदमी मर जाता है क्यों? मुझे जल्दी से बताओ क्यों मर जाता है? हीरा को चाटने से आदमी की मृत्यु हो जाती है क्यों? इसका राइट आंसर बताओ।
हीरा को चाटने से आदमी मर जाता है, जल्दी से बता दो ये क्यों, ये पुष्ट करो जल्दी से। हीरा को चाटने से आदमी मर जाता है, ऐसा क्या रीजन है बच्चे, आंसर करो जल्दी से, इसका राइट आंसर बताओ। चलो प्रिया गुप्ता, सब याद हो जाएगा, समझते चलो बच्चे। आप सिंपल समझो यार, हीरा जो है इसमें कार्बन कितनी है, 4। अगर आपके शरीर में बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और जब ऑक्सीजन प्रॉपर मिलेगा नहीं तो बाबू आदमी मरेगा ही। तो भैया कार्बन ज्यादा शरीर में पहुंचेगा तो आदमी को सांस लेने में दिक्कत होगी, कठिनाई होगी। इसीलिए बेटा हीरा को चाटने से आदमी मर जाता है, ये बात सत्य है जो मूवी में बताई गई है। बच्चे याद रखना, जो मो स्केल है इससे हीरे की कठोरता मापी जाती है। अब पेपर में आएगा जो हीरा है, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, हीरे का अपवर्तनांक लिख लो। हीरे का जो अपवर्तनांक है बच्चे लिख लो 2.45, लिख लो बच्चा हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.45। क्लियर है, आसानी से बता सकते हो। हीरे में ऐसा कोई जहरीला पदार्थ मौजूद नहीं होता इससे इंसान की मृत्यु हो जाए, तो ये सच है कि अगर कोई व्यक्ति हीरा निगल जाए तो उसकी जान में खतरा हो सकता है लेकिन उसकी मौत नहीं होगी। अरे बच्चे बहुत बड़े डॉक्टर हो है? जो ज्ञान की बात दे रहे हो। चलो तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो। और हाँ, जितने सारे बच्चे जुड़े हैं एक बार बच्चे आप सभी लोग, सभी के सभी बच्चे वीडियो को एक बार बच्चे लाइक करो भाई। 400 पार अभी मैंने तुमसे कहा था, वो नहीं कर रहे हो बच्चे हैं। बताओ हम तुम्हारी कोई भी एक दिन क्लास मिस किए हैं क्या? जिस दिन तुम्हारी भर्ती आई थी उस दिन से हमने कसम खा ली थी, ठीक है, कि हम जिस दिन तक उस दिन तक पढ़ाते रहेंगे जिस दिन आपका एग्जाम ना हो जाए, उस दिन तक भाई चाहे संडे हो या मंडे, हम रोज बच्चे आपके सामने आते हैं, रोज पढ़ाने आते हैं। आप खुद समझ जाओ यार, ठीक है, कोई गद्दारी नहीं। जो आपने कहा हमने वो सब किया है, जो आपने कहा हमने वो सब किया है, आप खुद समझिए यार। चलो 75 हो गए, जल्दी से शेयर करो, बहुत बढ़िया। एक बार बच्चे सभी लोग भौकाली तरीके से शेयर करो, बिहार का लाला एक बार भौकाल तरीके से शेयर करेगा वीडियो को। चलो आओ, बहुत बढ़िया, अगले में आओ। लिखा है परमाणु बम किस प्रक्रिया पर है? भैया परमाणु बम की बात आ गई, बम की बात है। बम तो भाई बिहार में तो बम तो बहुत दागे जाते हैं, कोचिंगों में बम दाग देते हैं भैया, जलने वाले कोचिंगों में बम दाग देते हैं। पूछा गया परमाणु बम किस प्रक्रिया पर आधारित है, तो लिख लो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया पर आधारित है। विखंडन का मतलब है टूटना, तो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया पर आधारित है। ये बहुत बार रिपीट किया गया क्वेश्चन, नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया पे आधारित है, लिख लो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया पर आधारित है परमाणु बम। अब पेपर में आएगा परमाणु बम की खोज किसने किया, बच्चा जल्दी बताओ। तो परमाणु बम की खोज किया था ऑटो हान, किसने? ऑटो हान नामक व्यक्ति ने परमाणु बम की खोज की। और परमाणु बम का सिद्धांत किसने दिया भैया, परमाणु बम का सिद्धांत किसने दिया? ये सिद्धांत दिया था बच्चे किसने? ये दिया था बच्चे ओपेनहाइमर ने। परमाणु बम का सिद्धांत दिया ओपेनहाइमर ने, और परमाणु बम की खोज की ऑटो हान ने। लिख लेना, अब पेपर में आएगा, बस लाइक शेयर कर दो। लिखा हुआ है परमाणु बम, अमेरिका को जानते हो भाई? अमेरिका ने 2 बार परमाणु हमले किए हैं। किस पर? अमेरिका ने 2 बार परमाणु हमले किए हैं जापान पर। तो जापान के कौन कौन से शहर पर इन्होंने हमला किया अमेरिका महोदय ने? तो अमेरिका महोदय ने जापान में कब कब हमला किया? तो एक डेट आती है 6 अगस्त को, 6 अगस्त, और एक डेट आती है 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त। तो भैया 6 अगस्त 9 अगस्त, तो इसका नाम क्या होगा? किस शहर में गिराया? नागासाकी। ना से 9 अगस्त और ना से नागासाकी बच्चे। और ये कौन सा शहर था? हिरोशिमा। हिरोशिमा शहर था जापान का। अब बेटा पेपर में आ जाए कि अमेरिका ने 6 अगस्त को हिरोशिमा शहर में परमाणु बम पर से हमला किया और 9 अगस्त को नागासाकी पर। अब दोनों से बच्चे पूछा जाता है कि जो परमाणु हमले किए हैं अमेरिका ने जापान पर, इन दोनों परमाणु हमले में परमाणु बम का नाम क्या है? तो भैया इन
दोनों परमाणु बम का नाम कैसे याद रखियो? याद करा दूं कैसे? समझो, 6 और 9 में छोटा कौन है? 6 और 9 में छोटा, आप कहोगे सर जी 6 छोटा है, तो ये है इसका नाम था। इस बम का क्या नाम था? छोटा वाला है तो इसका नाम, छोटा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लिटिल बॉय। लिख लो, ऐसे याद कर लेना कि जो 6 अगस्त को बम गिराया उसका नाम था लिटिल बॉय। आपने कैसे याद किया? 9 और 6 में छोटा कौन है? लिटिल बॉय। 6 छोटा है, बहुत शानदार। और 9 अगस्त को जो गिराया, तो देखा होगा जैसे तुम्हारे पड़ोस में चोरी हो जाए, तुम्हारा घर रह गया हो, तो तुम खूब खुशियां मनाते हो। जब भैया इस पर अमेरिका ने हमला किया तो ये खूब खुश हो रहा था, इसके शरीर में फैट बढ़ गया। क्या? तो बच्चे फैट बढ़ गया। कौन से मैन में फैट बढ़ा? तो भैया फैट मैन। इस वाले बम का नाम था फैट मैन। जो 9 अगस्त को बेटा अमेरिका ने हमला किया उसका नाम था फैट मैन। आप आसानी से बता सकते हो। लव यू बेटा, लव यू विभा कुमारी। चलो लिटिल बॉय सुधीर गुप्ता, दिमाग में छाप लोगे सब। आपका वीडियो शेयर कर दिया है 10 लोगों को, बहुत बढ़िया। लव यू बच्चे, एक बार आप सभी लोग शेयर करो वीडियो को, लाइक करो। अगला है, नाइट्रोजन युक्त यौगिक को किस विधि में सांद सल्फ्यूरिक अम्ल से गर्म किया जाता है? भैया ये सल्फ्यूरिक अम्ल एक तुम फार्मूला पेपर में आया है, सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला होता है H2SO4। भैया H2SO4 का नाम पता है? और कौन कौन नाम से जानते हो? इसी को तो कहते हो भैया, इसी को तो कहते हो बैटरी एसिड। भैया यही है जो बैटरी में भरा जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड ही है जो बैटरी में भरा जाता है। कहते नहीं है कि हमारी बैटरी में एसिड भरवाना है तो कौन सा एसिड डालोगे? सल्फ्यूरिक एसिड, बैटरी एसिड के नाम से जाना जाता है। अगला बच्चे, इसी को याद रखना, इसी को क्या कहा जाता है? रसायनों का राजा। इसी को कहते हैं बच्चे रसायनों का राजा। लिख लो, रसायनों का राजा किसको कहा जाता है? रसायनों का राजा, किंग ऑफ केमिकल, रसायनों का राजा कहते हैं इसको बच्चे। और इसी को अम्लों का राजा कहा जाता है, सारे अम्लों का के साथ क्रिया करते हैं, अम्लों का राजा है, ये है अम्लों का राजा बच्चे। अम्लों का राजा, रसायनों का राजा, बैटरी एसिड किसको कहते हैं? लिख लेना, सल्फ्यूरिक अम्ल को। और इसके लिए वो विधि है कैंडाल विधि बेटा। वो कौन सी है? कैंडाल विधि। लिख लो, चंडाल ना लिख देना, कैंडाल विधि है बेटा, लिख लो। क्लियर है? चलो, बहुत शानदार तरीके से आप सारी चीजें जोड़ कर सकते हो, बहुत बढ़िया। आपका आज परफॉर्मेंस है, जितने लाइक उतने व्यू, बहुत बढ़िया यार। ज्यादा नहीं करोगे क्या? बोलो, है ज्यादा नहीं करोगे? करो भाई, चलो वीडियो को लाइक करो भाई। क्लियर है? सर बहुत ज़्यादा हो, देखो अन्नू जो हैं याद नहीं होगा। अरे बउआ, एक दिन के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, जीवन भर क्लास पड़ी रहेगी, इसलिए मुझे जितना आता है मैं सब कुछ पढ़ा दूंगा तुमको। किंग ऑफ केमिकल, किंग ऑफ एसिड, सालू स्क्रीनशॉट मारो, अगले पर आओ। अगला है, विमान चालकों को संकेत देने हेतु हवाई अड्डों पर किस लैंप का प्रयोग किया जाता है? देखा होगा कोहरे वगैरह में, जो भैया जब हम लोग हेलीकॉप्टर लैंड करता है ना हवाई अड्डे से, तो वहां पर कौन सी लैंपों का प्रयोग करते हैं? वो लैंप पूछा गया है, कौन सी लैंपों का प्रयोग करते हैं? तो आप लिख लो, वो लैंप है नियान लैंप। नियान लैंप का प्रयोग किया जाता है, नियान लैंप का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा, नियान लैंपों का यूज किया जाता है हवाई अड्डों में, ये क्वेश्चन पूछा गया। चलो दीपक जी, अगले में आओ। लिखा है, गर्म सोडियम क्लोराइड से अभिक्रिया करके कौन सी धातु हाइड्रोजन गैस बनाती है? तो जल्दी से बता दो, कौन सी धातु हाइड्रोजन? बउआ हाइड्रोजन लिख लो, वो है जस्ता, जिसका नाम है जस्ता बेटा। जस्ता बोले तो जिंक बोलते हैं, जिंक। और जिंक का परमाणु क्रमांक कितना? आप कहोगे 30 होता है बाबू। परमाणु क्रमांक कितना होता है? 30। क्वेश्चन छपेंगे, 30 होता है, आप आसानी से बता सकते हो। क्लियर? चलो सोनी, अब पेपर में आएगा, सर जी जो हाइड्रोजन है इसको भविष्य का ईंधन कहते हैं,
क्यों बउआ, क्यों कहा जाता है? लिखो, इसको भविष्य का ईंधन कहा जाता है बच्चे। भविष्य का ईंधन मतलब वैज्ञानिक आए, इन्होंने कहा कि भैया हाइड्रोजन का यूज करो, तो उन्होंने कैसे सर्वे किया, इन्होंने टेस्टिंग की। भाई टेस्टिंग क्या की, इन्होंने बेटा हाइड्रोजन की एक मोमबत्ती ले ली और एक नाइट्रोजन की मोमबत्ती ले ली और एक बेटा बच्चे सोडियम की ले ली। अब तीनों को एक साथ जब इन्होंने जलाया तो सबसे देर तक ये हाइड्रोजन की मोमबत्ती जलती रही, तो उन्होंने कहा जो ईंधन सबसे ज्यादा देर तक जलेगा, जो वही ईंधन जो सबसे ज्यादा देर तक जलेगा वही बेटा याद रखना सबसे अच्छा ईंधन होगा, भविष्य का ईंधन। अब देखो जब से हम पढ़ाने लगे कि हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन है, तो हमारे चाचा जी के पास थी गाड़ियाँ, तो हमारे चाचा यूज करते थे डीजल पेट्रोल गाड़ियों में, लेकिन जैसे उन्होंने सोचा कि ये बहुत अच्छी बात है कि भैया हाइड्रोजन वाला चीज यूज करो, तो तुम कहियो सीएनजी जाना दो, सीएनजी जगह कहा तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसमें कौन सी गैस होती है भराना तो जानते हो, पता है क्या क्या सीएनजी में कौन सी गैस है? तो सीएनजी में गैस बता देना मीथेन होती है। भाई हम पढ़ाते नहीं कढ़ा देते हैं, मीथेन फार्मूला पता है? देखो कार्बन एक है, हाइड्रोजन के चार अणु है। अब देखो ज्यादा कौन है, कार्बन एक है, ज्यादा प्रदूषण नहीं होगा, लेकिन बेटा हाइड्रोजन के चार चार हैं और हाइड्रोजन के चार हैं इसलिए इसको हाइड्रोजनवा को भविष्य का ईंधन कहा गया, भविष्य का ईंधन कहा गया, तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं। बच्चे दिमाग और दिल में सेट कर लेना, भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन। अगला प्रश्न बता दो, भविष्य की धातु किसको कहते हैं? बताओ भविष्य की धातु किसको कहते हैं, आंसर करिए बच्चे, भविष्य की धातु मेटल किसको कहा जाता है? देखते हैं है आपके अंदर वो जुनून क्वेश्चन को करने का, तो उड़ा के आंसर कर दो बच्चे, भविष्य की धातु किसको कहते हैं मेरे बच्चे? क्या टिका हो सोनी सर, आप साइंस टॉपिक से बताता है तो ज्यादा समझ में आता है, बताता है थोड़ा सम्मान कर लिया करो गुरु का, बताता है तो ऐसा करता है, ठीक है सर? आप हम लोगों के लिए इतना मेहनत करते हो सर, अपनी थोड़ी सी सेहत पर भी ध्यान दीजिए सर। सुधीर गुप्ता कह रहे हैं पागल हो जाऊंगा पढ़ा पढ़ा के तुम्हारे लिए, ठीक है लेकिन सेहत की बात कर रहे हो, जिस दिन सेहत पर ध्यान दूंगा तो फिर तुम कह देते हो क्लासें नहीं होती हैं, क्लास ले रहे हैं तुम कहोगे सर तुम्हारा पेट निकल रहा है। यार पढ़ा तो रहा हूं, तुमको पेट से क्या मतलब है यार, पेट कम कर लीजिए यार, क्या करें बच्चे, पढ़ा रहे हैं तुमको तकलीफ हो रही है सर पेट कम करिए, अजीब हो, पढ़ने में ध्यान नहीं है, बाल क्यों छोटे करा, गंजे क्यों हो गए, ये सब फालतू की चीजें हैं। महात्मा बुद्ध के बाल हैं, याद रखना जिसको भी ज्ञान की प्राप्ति हुई है याद रखना वो कभी बाल नहीं रखता है। अब मुझे कैवल्य मोक्ष की प्राप्ति होने वाली है, ठीक है चलो। भविष्य की धातु किसको कहा जाता है? तो भविष्य की धातु बच्चे याद कर लेना, ये कहते हैं टाइटेनियम को, लिख लो भविष्य की धातु बोलते हैं टाइटेनियम को, लिख लो, कभी प्लेटिनम मत लगा देना। देखो एक बच्चा कह रहा इंग्लिश भी पढ़ाइए, आशा मिश्रा कह रहे हैं सर इंग्लिश भी पढ़ाइए, बिटिया आप पढ़ भी तो रही हो, चलो बहुत बढ़िया, वीडियो को शेयर करो, बहुत बढ़िया बेटे, चलो अनु शर्मा चलो, अरे सर आप हीरो है अच्छे पढ़ाते हो, थैंक यू भाई, चलो भाई वीडियो को लाइक करो, वीडियो को जल्दी से, चलिए तो इतने सारे क्वेश्चन आप लोगों को याद कर लेना है। अब आओ अगले क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर आओ, लिखा हुआ है नॉन स्टिक, आपने यहां देखा होगा काले बर्तन की, जो देखा होगा नॉन स्टिक उसको कहते हैं जो काले बर्तन होते हैं, तो भैया मम्मी लोग कढ़ाइयां नहीं ले लेती है नॉन स्टिक की, तो उनको धुलाई करने में कम समय लगता है, तो जो नॉन स्टिक बर्तन है उसको किस पदार्थ का लेप होता है? तो जो नॉन स्टिक बर्तन है, जो काले काले बर्तन होते हैं उसमें कौन से पदार्थ का बेटा लेप होता है, जल्दी से बता दो। तो नॉन स्टिक में लिख लो
टेफ्लान होता है क्या? तो लिख लो भैया, उसमें टेफ्लान होता है, कई बार पूछा गया है। टेफ्लान, टेफ्लान होता है नॉन स्टिक के बर्तनों में, लिख लेना, इसीलिए उनको साफ करने में मेहनत नहीं पड़ती। अब बता दो मुझे, एक क्वेश्चन बताना है, ये क्वेश्चन पूछा गया, कुकर तो जानते ही हो, कुकर में, कुकर का हैंडल, कुकर के हैंडल में, ऐसे लिखो, कुकर के हैंडल में कौन सी धातु लगी होती है, कौन सा पदार्थ लगा होता है, जल्दी बताओ। हम लोग कुकर आपका गैस में चढ़ा हुआ है, चूल्हे में रखा है, फिर भी देखा होगा कुकर को पकड़कर खाना, सी 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 सी, चार पांच सीटी आई, मम्मी ने कहा बाबू उतार लो खाना। तो भैया जब गैस से उतारते हो तो कुकर के हैंडल में कौन सा पदार्थ लगा होता है जिससे वो गर्म नहीं होता, बताओ बच्चे जल्दी से बता दो, कुकर के हैंडल में कौन सा पदार्थ लगा होता है जिससे वो गर्म नहीं होता, आंसर बताओ, जिससे वो गर्म नहीं होता, आंसर बताइए। वह गर्माता ही नहीं है बाबू, हर आदमी देखा होगा गर्मा जाएगा देख के, जिससे वो गर्म नहीं होता, जल्दी बताओ, आग में गर्म भी नहीं होता, लिख लो, लिखो बाबू, आग में वो गर्म नहीं होता, अभी तक किसी का राइट देखो सब टेफ्लान। अरे काय मजाक कर रहे हो हैं बच्चे, आप मजाक कर रहे हो, बोलो, गलत बता रहे हो, सभी का गलत हो गया। तभी तो कहते हैं भाई पढ़ लो, पढ़ लो बेटा, अभी मौका है, बाद में फिर धोखा ही धोखा है, और एसडीएम की कहानी तो सुना ही होगा बच्चे। तो इसका राइट आंसर आप लिख लेना, उसमें बैकेलाइट होता है। क्या होता है बैकेलाइट? अब कहोगे बैकेलाइट सर जी क्या है, वही जो काला काला प्लास्टिक है बेटा, वो बैकेलाइट होता है। बैकेलाइट याद रखना, क्यों गर्म नहीं हो रहा, क्योंकि ये ऊष्मा का और विद्युत का, ऊष्मा और विद्युत का क्या है, कुचालक है। ऊष्मा या विद्युत का क्या है, बैड कंडक्टर है, कुचालक है। कुचालक क्या होता है, कुचालक का मतलब है जैसे हमने कहा कि हमने इसको इलेक्ट्रिक बोर्ड से जोड़ दिया मशीन को, अब ये मशीन पूरी गर्म होने लगनी चाहिए, तो ये क्या है सुचालक, मतलब ऐसा वायर जिसमें करंट आसानी से जा सके वो विद्युत का सुचालक है, और ऐसा वायर या ऐसी मेटल, ऐसा पदार्थ जिसमें करंट या ऊष्मा गुजरे ना, पास ना हो, तो वो बैड कंडक्टर यानी कुचालक है। बैकेलाइट में, बैकेलाइट में बच्चे याद कर लेना, ऊष्मा और विद्युत का कुचालक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये गर्म ही नहीं होता, लो कभी गर्म हुआ नहीं होगा। अब देखो, और सर जी आपके घरों में वायरिंग होगी, जो इलेक्ट्रिक बोर्ड बने होते हैं ना, इलेक्ट्रिक बोर्ड है बेटा, इलेक्ट्रिक बोर्ड में जो प्लेटें होती हैं उनमें भी बैकेलाइट होता है। इलेक्ट्रिक बोर्ड की प्लेटें किसकी बनी होती हैं, इलेक्ट्रिक बोर्ड की जो प्लेट होती हैं वो भी बच्चे किसकी बनी होती हैं, वो भी बैकेलाइट की बनी होती हैं। जो प्लेटें हैं आप कितना छुआ ऊपर तक कहूँ करंट मारत है का बउआ, तो बैकेलाइट लगा होता है। बैकेलाइट की वजह से लड़कियों को पढ़ना नहीं चाहिए। अरे मनीष शर्मा तुम एक से एक भाई, लड़कियों को पढ़ना नहीं चाहिए यार, तुम कैसे व्यक्ति हो, अपना भला जानते हो, अपना भला जानते हो, सब लोग पढ़ो यार, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। प्लास्टिक ही बैकेलाइट है सुधीर गुप्ता, वो है तो प्लास्टिक, लेकिन ऐसी प्लास्टिक भैया, अगर प्लास्टिक कुकर में लगा हो तो गर्म करने के साथ साथ वो भी ना गर्म हो जाए, कहाँ गर्म हो रहा है, इसलिए वो विद्युत का क्या है, कुचालक है। आसानी से बता सकते हो ज्योति मौर्य, एसडीएम बेवफा होगा ना सर नीरज कुमार, यार कहाँ की चीजें कहाँ जोड़ो, पढ़ाई कर लो भाई, ठीक है। अगला है प्राकृतिक रबड़ को मजबूत करने और प्रत्यास्थ बनाने के लिए, जो भैया नेचुरल रबड़ है उसको प्रत्यास्थ मतलब बोलते हैं लचीला। कभी आप देखा होगा रबड़ को कितना भी आप खींचो रबड़ टूटती नहीं है, रबड़ को एक बच्चे को पकड़ा दो आप पकड़ के खींचते हो टूटती नहीं है, वो उसका लचीलापन बताता है, वो उसका लचीलापन बताता है। तो प्राकृतिक रबड़ को मजबूत करने और प्रत्यार्थ यानी लचीला बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, उसमें क्या मिलाते हैं, तो आप कहोगे उसमें मिलाया जाता है
क्या मिलाते हैं? लचीला बनाने के लिए बेटा सल्फर, सल्फर मिलाते हैं क्या? बच्चे लिख लो, रबड़ को लचीला बनाने के लिए, मुलायम बनाने के लिए सल्फर मिलाया जाता है, सल्फर मिलाया जाता है, लिख लो सल्फर, लिख लो। ये तांबे का दुश्मन है, जैसे तुम्हारे दुश्मन हम हैं, हम हैं तुम्हारे दुश्मन, तभी तो नहीं शेयर करते हो बेटा। तांबे का दुश्मन कौन? आप कहोगे सल्फर, क्योंकि तांबे में अगर, तांबे के पास बेटा अगर सल्फर पहुंच जाएगा तो तांबे में बेटा सल्फर हरे रंग की परत बना देता है। जैसे हम लोग बच्चे मंदिर में जाते हैं, एक लोटा नहीं होता तांबे का लोटा, उसमें देखा होगा कहीं से धोखे से सल्फर लग गया तो भैया वो हरी परत जमा देता है। तो याद रखना, तांबे का दुश्मन है सल्फर। सल्फर जितने भी बेटा चोट वाले मलहम आते हैं, जिसको कहते हो घाव भरने वाले मलहम, तो लिख लो घाव भरने वाले ऑइंटमेंट, घाव भरने वाले मलहम किसके बने होते हैं? घाव भरने वाले मलहम किसके बने होते हैं? तो भैया घाव भरने वाले मलहम जो होते हैं ये बने होते हैं सल्फर के, घाव भरने वाले मलहम बने होते हैं सल्फर के। चलो बेटा कल से आपकी क्लास जो है वो बंद रहेगी, ठीक है, बंद रहेगी, जैसा आप चाह रहे थे वही हुआ, वही हुआ। क्योंकि यार तुम अपना फायदा जानते हो, लाइक में इतनी गिरावट है, 500 लाइक अभी नहीं पहुंचे हो, शेयर नहीं कर पा रहे हो। तुम पढ़ा तो हम सब कुछ रहे, एक एक क्वेश्चन को आपको समझाते हुए सिखाते हुए चल रहे हैं, कोई ऐसी स्लाइड नहीं है जिसमें मैंने आपको डिटेल ना बताया हो, टिक करा के चला आया हूँ। बच्चे हर एक क्वेश्चन को मैं समझा के चल रहा हूँ, जिससे आपके अगर वो क्वेश्चन बने तो वो आप कर ले जाओ, वो आप कर ले जाओ। 80 या 99% आएगा ये क्वेश्चन, 80 तो छोड़ ही दो, ठीक है। चलो चलो भाई, बहुत बढ़िया किया आपने, जो आप चाह रहे थे वही हुआ। अगले में आओ, लिखा है वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी बच्चे गैस? तो आप कहोगे इसमें हाइड्रोजन का यूज किया जाता है, हाइड्रोजन। बाबू हाइड्रोजन गैस भी है और हाइड्रोजन एक एलिमेंट भी है, गैस भी है और एक तत्व भी है, हाइड्रोजन एक गैस है और तत्व भी है, आप याद रखना, हाइड्रोजन एक गैस है और एक तत्व भी है। इसका राइट आंसर मालूम हो गया। अब देखो हाइड्रोजन को बेटा भविष्य का ईंधन कहते हैं, मालूम हो गया, लेकिन इसको आवारा तत्व कहा जाता है, ये भैया आवारा तत्व है। जैसे एक कोई टीचर है वो कई सारी एकेडमी में पढ़ा रहा है तो उसको आवारा टीचर कह दिया जाएगा, वो एक जगह निश्चित नहीं है, कहीं बच्चे पुल की तरफ चला जा रहा है, कहीं इधर पढ़ाने आ रहा है स्टेशन रोड में, तो बच्चे कई सारे लोग हैं ऐसे चले जाते हैं, तो उनको आवारा टीचर, जैसे आवारा तत्व क्यों कहा गया वो बच्चे? क्योंकि उसका स्थान क्लियर नहीं है, स्थान क्लियर नहीं है कि भैया ये किस ग्रुप में आएगा, तो भैया स्थान क्लियर नहीं है इसका, किसका? हाइड्रोजन का। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन है, किस ग्रुप का तत्व है? हाइड्रोजन ग्रुप नंबर 1 में आना चाहिए, लेकिन ये कभी कभी 17 वाले में चला जाता है, कभी कभी 1 में रहता है, कभी कभी 17 में चला जाता है, इसलिए इसको आवारा तत्व कहा गया। किसको? हाइड्रोजन को। अगला पूछा जाता है ब्रह्मांड में पाया जाने वाला तत्व बताओ, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व बता दो। तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, लिख लो, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तब भी कहोगे आप वो सर जी हाइड्रोजन है, ब्रह्मांड में यूनिवर्स में सर्वाधिक मात्रा। अभिक से निकलने वाले विकिरणों में किन किरणों की वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? बच्चे इंटर में आपको रामलाल सर ने पढ़ाया था, बच्चे आपको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको साइंस पढ़ाया। लिखा है सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसकी होती है? जल्दी से बता दो, सबसे ज्यादा
भेदन क्षमता, जैसे हमने कहा कि ये एक मोटी दीवार है, ये एक मोटी दीवार है और एक कोई किरण आई और इसके उस पार निकल गई, इसके उस पार निकल गई, मतलब ऐसी किरण जो बेटा आर पार निकल जाए, आर पार निकल जाए। को बच्चे क्या कहा जाता है, आर पार निकल जाए, उसको कहते हो सर जी गामा किरणें। उसको कौन सी किरणें कहते हो, गामा किरणें कहते हो। और गामा किरणों की खोज किसने किया, आंसर बता दो, गामा किरणों की खोज किसने किया। आप कहोगे गामा किरणों की खोज किया था हेनरी बैकुरल ने। सबसे ज्यादा भेदन क्षमता बेटा इन्हीं की होती है, गामा किरणों की, इसी की खोज किया था हेनरी बैकुरल ने। लिख लो गामा किरणों की। आप कहोगे सर जी एक्सरे के बारे में बताओ, तो लिखो बेटा एक्सरे के बारे में, जो एक्सरे होती हैं एक्सरे, तो भैया एक्सरे इनकी खोज किसने किया, तो इनकी खोज किया था बेटा विलियम रॉन्जन। इसकी खोज किया था विलियम रॉन्जन ने। लिख लो एक्सरे की खोज किया था विलियम रॉन्जन ने। यही है जो टूटी हड्डियों का पता लगा लेती हैं। हम लोग एक्सरा क्यों कराते हैं, कि हमारी हड्डियां टूटी टाटी तो नहीं है, कहीं से फ्रैक्चर तो नहीं है, तो टूटी हड्डियों का पता लगाने के लिए एक्सरे का प्रयोग करते हैं। टूटी हड्डियों का पता लगाने के लिए इसका यूज करते हैं, टूटी हड्डियों का पता लगाने के लिए इसका यूज किया जाता है। लिख लेना, छाप लेना बेटा, क्योंकि तुम छापना जानते हो, समझना नहीं। समझो ठीक है, जब समझोगे तो सब आएगा, कहीं ना वो घर ही थी। चलो सोनी कुमारी, बेटा आप शेयर नहीं करा रहे हो बच्चों को, हैं गलत बात है। आप लव सब लोगों के भरोसे तो हम आते हैं पढ़ाने। नीरज रो क्यों रहे हो, रोने से कुछ नहीं होता है ना, टूटी फूटी हड्डियाँ का पता लगाना। सुधीर गुप्ता, बस यहाँ आती नहीं हूँ, गामा किरण खोज। सोनी कुमारी क्यों नहीं आती हो बताओ, सर आप क्लास बंद मत कीजिए सर प्लीज। प्रीति वांडे, बेटा यार शेयर करो ठीक है, बताओ 520 लाइक की हो, 600 700 800 वन के लाइक डेली करते थे, आज इतने कम लाइक की हो, खुद समझो यार। लोकनाथ, सर लड़की धोखे देती है इसलिए लड़की को पढ़ाई नहीं करानी चाहिए। आकर्षण कुमार, गलत बात है ठीक है, वो एक बच्चे, हर महिला याद रखना, हर महिला एक ही समान नहीं होती है, सोच गंदी मत कीजिए आप अपनी ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, चलो जल्दी से आ जाओ। लिखा है किसको अग्निशामक के रूप में CO2 के साथ प्रयोग किया जाता है, जो आग बुझाने वाले सिलेंडर होते हैं, आग बुझाने वाले सिलेंडर, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या प्रयोग किया जाता है बताओ। आग बुझाने वाले सिलेंडर में बच्चे क्या प्रयोग किया जाता है, आग बुझाने वाले जो फायर एग्जीक्यूटिंग बच्चे होते हैं, आग बुझाने वाले सिलेंडर, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या यूज किया जाता है, आंसर बताओ, उसका आंसर बताओ जल्दी से। सोनी कुमारी ऐसी बात नहीं है ठीक है, आप पढ़ाई पर ध्यान दोगे, आप अच्छे बच्चे हो, बस आप पढ़ाई करो ठीक है। चलो जल्दी से शेयर करो। चलो बहुत बढ़िया, एक बार भाई सभी लोग लाइक करो यार, चाहते हो डेली क्लास हो। चलो रस अना रहीमा खातून, बिल्कुल सही बता रहे हो आदर्श। बच्चे वीडियो को शेयर करो और जल्दी से इसका आंसर बताओ, आग बुझाने वाले सिलेंडर में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बेटा कौन सी गैस का यूज किया जाता है, जल्दी से बता दो। तो वो किया जाता है भैया, वही है जिसको कहते हो NaHCO3। बाबू NaHCO3 जिसको कहते हो सोडियम बाइकार्बोनेट, इसी को कहते हो सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, और या इसी को कहते हो सोडा। भैया सोडा का यूज किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, यही है बेकिंग सोडा, जिसको तुम कहते हो बेकिंग सोडा है, बेकरी में यूज होगा तो नाम पड़ा बेकिंग सोडा, और यही को कहते हो
खाने वाला सोडा है, यही है खाने वाला सोडा जिसका यूज पूछा जाता है। देखा होगा जो गाँव में लोग रहते हैं ना, तो गाँव में लोगों में देखा होगा रात में पेट फूल गया आपका, तो देखा होगा मम्मी कहती नहीं कि ये सोडा खा लो आपकी गैस ठीक हो जाएगी। तो खाने वाला सोडा का फार्मूला मालूम हो गया बच्चे, इसका उपयोग लिख लो, इसका उपयोग किस में किया जाता है तो लिख लो भटूरा बनाने में, जितने फुलाव वाले पदार्थ होते हैं उसमें सब में किया जाता है भटूरा बनाने में। भटूरा बनाने के साथ साथ बेटा केक में, केक के निर्माण में, केक बनाने में, भटूरा बनाने में, केक बनाने में किसका यूज किया जाता है आप कहोगे, और याद रखना इनो, ये तो भैया पिछली बार आया ही कि इनो पाउडर है ना, जैसे आप आधा गिलास पानी में इनो पाउडर डालते हो झाग ही झाग उत्पन्न हो जाती है, तो इनो पाउडर में भी किसका यूज किया जाता है लिख लेना, सोडियम बाइकार्बोनेट का, सोडियम बाइकार्बोनेट। आज पहली बार आपकी क्लास में जुड़े हैं, सच में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं पुष्पांकर कुमार, चलो बहुत बढ़िया। प्रिया मत रहो, पिए मत रहो, कौन पिए भाई, पिए ये ना, यहाँ पी के ना क्लास करो भैया। किस रासायनिक पदार्थ का नाम हरा थोथा यानी ग्रीन कसीस है? बताओ किस रासायनिक पदार्थ का नाम हरा थोथा है? देखो इसी को कहा जाता है ग्रीन विट्रियल, इसी को कहते हैं, बताया ग्रीन विट्रियल किसको कहा जाता है मेरे बच्चे, जल्दी से बता दो ग्रीन विट्रियल किसको कहा जाता है मुझे जल्दी से बता दो। तो ये किसको कहते हैं, ये कहा जाता है बच्चे आप कह दोगे हरा कसीस, बच्चे कॉपर सल्फेट को कहा जाता है, कॉपर सल्फेट लिख लो, अगले पर आते हैं, अगले का आंसर बताओ जल्दी से। सर बिल्कुल लोकनाथ आज नहीं होगा बेटा, चलो फेरस सल्फेट जल्दी से बता दो, लिखा है दो विलयनों को कब आइसोटोनिक किया जा सकता है, तो भैया जब उसमें परासरण दाब समान हो, जब बेटा बच्चे ऑस्मोसिस प्रेशर इक्वल हो, जब परासरण दाब समान हो तब बेटा दो विलयनों को आइसोटेनिक किया जाता है, समान हो। अब आप देखा होगा कि किशमिश, जब भी आप देखा होगा जो किशमिश है, किशमिश को आप पानी में डालते हो, किशमिश को आप पानी में डालते हो तो किशमिश देखा होगा फूल जाती है, तो किशमिश फूलती है किस दाब की वजह से, ये क्वेश्चन पूछा गया, किशमिश किस दाब की वजह से फूल जाती है, किशमिश पानी में, पानी में लिख लो, पानी में किस दाब की वजह से फूलती है, तो लिख लो इसी दाब, परासरण दाब की वजह से फूल जाती है, इसी दाब की वजह से फूल जाती है, लिख लो भैया किशमिश पानी में इसी दाब की वजह से फूल जाती है, ऑस्मोसिस प्रेशर, बहुत बढ़िया सनम, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो। लिखा है सभी अम्ल धातुओं के साथ प्रतिक्रिया करके कौन सी गैस निकालते हैं, तो सभी अम्ल बेटा धातुओं के साथ प्रतिक्रिया करके कौन सी गैस निकालते हैं जल्दी से बता दो, तो वो गैस निकालते हैं हाइड्रोजन, वो निकालते हैं हाइड्रोजन, लिख लो क्लियर, चलो यू आर बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड प्रियांशी कुमारी, थैंक यू। अगले में आओ, लिखा है मूत्रालय के पास नाक में चुभने वाली गंध का कारण कौन सी गैस है? देखो अगर बाथरूम हम लोग जाते हैं तो बाथरूम में ऐसी तीक्ष्ण गंध बेटा बच्चे आपको स्मेल करती है, वो गैस पूछा गया, वो गैस कौन सी है जो बाथरूम में जो गैस तीक्ष्ण बेटा चला करती है जल्दी से बता दो। गुड मॉर्निंग सर जी, गया जिला से रवि, हेलो सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, यू आर बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड प्रियांशी, थैंक यू बेटे, थैंक यू, लव यू ऑल। चलो एक बार जल्दी से भाई 600 लाइक करो, दबा के 600 लाइक कर दो बच्चा।
तो मूत्रालय में होती है बेटा, याद रखना, NH3 अमोनिया, अमोनिया लिख लो, इसको आप कहते हो अमोनिया। मूत्रालय में जो तीक्ष्ण गंध निकलती है वो अमोनिया है, लिख लो अमोनिया, याद कर लेना अमोनिया। एक बेटा याद कर लेना, गैस है। अमोनिया को गैस किसने बताया, गैस किसने बताया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अमोनिया को गैस के रूप में किसने बताया, बताओ कि अमोनिया एक गैस है। तो इसको सबसे पहली बार इन्होंने कहा था, इनका नाम है बर्थिली व डेवी। तो बर्थिली और डेवी ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बच्चे प्रूफ कर दिया कि अमोनिया एक तीक्ष्ण गंध है। इसका राइट आंसर लिख लो अमोनिया, ठीक है, NH3 गुरुजी। चलो प्रिया गुप्ता बिल्कुल सही कह रहे हो आप। लिखा है कौन सी गैस अमोनिया के सृजन में काम आती है, कौन सी गैस है जो अमोनिया के सृजन में काम आती है, तो लिख लो उसका राइट आंसर बताओ। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लिख लो, ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से निकली है, लिख लो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से निकली है। हाइड्रोजन कैसे, समझो भाई, पढ़ो कम समझो ज्यादा, क्योंकि एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे। फार्मूला देखो, नाइट्रोजन देखो NH3, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के ही तो बच्चे मॉलिक्यूल हैं, तो ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन सृजित मतलब बनी हुई है, किससे बनी है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से ही बनी है बेटा, कौन, अमोनिया। चलो मिस करिश्मा कुमारी 15 मिनट और चलेगी क्लास, 10 मिनट और, ठीक है, 10 मिनट आप जी खोल के पढ़ लें अच्छे से, सर क्या आपके क्लास में पास हो जाएंगे ना, मनीष शर्मा बिल्कुल पास होगी। लिखा है किस तत्व का नाम उसके खोजकर्ता वैज्ञानिक के देश के नाम पे रखा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बच्चे, जल्दी से बता दो, ऐसा कौन सा तत्व है जो उसके खोजकर्ता वैज्ञानिक देश के नाम पर रखा गया है, जल्दी से बता दो इसका राइट आंसर बताओ। कृपा कुमारी आप बस पढ़ते रहो, बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, थैंक यू, चलो जल्दी से बता दो। तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग बताएं, ये है बेटा पोलोनियम, वो तत्व है, लिख लो पोलोनियम, पोलोनियम से याद कर लेना, पोलोनियम याद रखना रेडियो एक्टिव तत्व है, याद रखना मानव द्वारा निर्मित पहला तत्व, मानव द्वारा निर्मित पहला तत्व पूछा जाए तो आप कहोगे पोलोनियम, मानव द्वारा निर्मित पहला तत्व कौन सा है, तो आप कहोगे मानव द्वारा निर्मित पहला तत्व जो है वो कौन है, वो है पोलोनियम। पोलोनियम लिख लो, सर्वाधिक समस्थानिक किस तत्व के हैं, तो भी आप कहोगे सर्वाधिक समस्थानिक यानी आइसोटोप्स किस तत्व के हैं, तब भी आप कहोगे पोलोनियम। सर्वाधिक आइसोटोप्स सर्वाधिक समस्थानिक बेटा कितने हैं टोटल पोलोनियम के समस्थानिक, आंसर बताओ। पोलोनियम को ही खोजा था बच्चे मैडम क्यूरी और मैडम क्यूरी, मैडम क्यूरी बच्चे लिख लो, बहुत शानदार बता रहे हो, चलो मैडम नीसु ने किया था, नीसु नहीं है यार नीरज, ठीक है तुम अपनी वाली का नाम बता दे रहे हो। तो सर्वाधिक समस्थानिक बताओ, तो 27 है, 27 समस्थानिक अपने साथ रखता है बेटा पोलोनियम। लिखा है किसकी उपस्थिति के कारण आतशबाजी में हरा रंग होता है, तो बेटा हरा रंग बेरियम की वजह से होता है, लिख लो। आप जब पढ़ लिख के आपकी नौकरी लगेगी ना, नौकरी के बाद जब आपकी सदिया होगी तो आतशबाजी तो भैया खूब छूटेगी, तो आतशबाजी में जो हरा रंग पूछा गया है बेरियम की वजह से, आप पूछा जाए कि आतशबाजी में लाल रंग किसकी वजह से होता है, तो लाल रंग लिख लो स्ट्रांसियम के कारण, स्ट्रांसियम जिसको SR से डिनोट करते हैं, लिख लो आतशबाजी का बेटा लाल रंग स्ट्रांसियम की वजह से हरा रंग हो गया। अगर पूछ लिया जाए आतशबाजी का बेटा हरा रंग और सफ़ेद रंग पूछा जाए,
सफेद रंग, तो आतशबाजी का सफेद रंग जब भी पूछा जाए तो एमजी यानी मैग्नीशियम की वजह से, मैग्नीशियम की वजह से। अब पूछा जाए आतशबाजी का बेटा हरा रंग हो गया, पीला रंग पूछा जाए आतशबाजी का पीला रंग, तब किसकी वजह से बताओगे? तो बता देना सोडियम की वजह से। आतशबाजी का पीला रंग सोडियम की वजह से, सोडियम बोलें जिसको आप एने कहते हो, सोडियम की वजह से। क्लियर है? आसानी से छाप सकते हो, एक एक प्रश्न कर सकते हो भाई, एकदम परफेक्ट पढ़ा देंगे आपको, जिससे आपके सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलो गुरुजी। राम कुमार यूपीएससी नहीं, आज नहीं होगा बेटा उनका, बोलो। अंकित सरोज आर के, रोशन वर्मा नमस्ते सर, संटू बहुत बढ़िया, आयुष मिश्रा यस सर, सबसे कम किस ग्रह के उपग्रह हैं? अरे बच्चे सभी को पता है तुमको, पृथ्वी का है, चंद्रमा एक ही। लिखा है विद्युत धनात्मक तत्व से संयोग करने की क्रिया को किस नाम से जाना जाता है? भैया लिखा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी तत्व से संयोग, उसी को अवकरण कहते हैं, अवकरण, अवकरण विधि कहा जाता है। फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा साफ करती है? तो इसका राइट आंसर लिख लेना, वो है स्कंदन, स्कंदन विधि द्वारा। फिटकरी का फार्मूला लिख लो, सूत्र क्या होता है? K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल ट्वाइस डॉट 24H2O। ये आप सभी को बता देना, क्लियर है? चलो भैया जल्दी से एक बार सभी लोग लाइक करो यार। ज्योतिष कुमार, सब क्लासें हो रही हैं, सारी क्लास हो रही हैं सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। चलो जल्दी से आप सभी को बेटा एक फार्मूला, सर बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया कि अमोनिया का फार्म, उसका यूरिया का फार्मूला बताना है आपको, यूरिया का सामान सूत्र बताना है। देखो तुम सभी लोग कमेंट किया करो, सबसे पहली बात यूरिया का सामान सूत्र बच्चे बताना है आपको, यूरिया का सामान सूत्र बेटा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना। क्लास कैसी रही ये भी बताना। क्लास कैसी रही ये भी बता देना बच्चे, ठीक है? चलो चलो सभी लोग बच्चे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। देखो अभी लाइक की जो संख्या में कमी है वो लाइक जल्दी से दबा दो आप सभी लोग, अब आपको लग गया होगा मेहनत मेरी, अगर आपको अच्छे से समझ आई हो तो भाई मेरे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, यूरिया का फार्मूला, यूरिया का सामान सूत्र। और हाँ, जिन विद्यार्थियों ने बेटा लाइक नहीं किया यार, लाइक तो कर ही दो, जाते जाते आप सभी लोग लाइक का बटन दबाएं, ठीक है? सर मैं क्लास से पीछे चल रहा हूँ। चलो यूरिया का नॉर्मल फार्मूला बहुत बढ़िया, सामान सूत्र बताना है, ठीक है? क्या होता है, कैसी रही क्लास आपको जरूर बताना है कमेंट बॉक्स में, जाकर तुरंत बताना, ठीक है? केमिस्ट्री का पार्ट वन था, क्या आपको पार्ट टू चाहिए ये भी बता देना कमेंट बॉक्स में, और केमिस्ट्री की क्लास चाहते हो तो ये भी बता देना बच्चे कमेंट बॉक्स में सभी लोग, कोटि कोटि नमन। चलो थैंक यू भैया। चलो भाई 8 बच्चे कम है, लाइक दबाएं जल्दी से, लाइक का बटन दबा के जाएं। घंटा हो गई बेटा, बहुत बढ़िया। चलो नरेंद्र आप पर मैं विश्वास करता हूँ, बहुत बढ़िया। तो सभी लोग लाइक कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, और शेयर कर दें, और हाँ क्लास कैसी रही जरूर बताना, और ये इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना। अब मैं चलता हूँ, आप सभी लोगों से विदा भी लेता हूँ, लेकिन आपके लिए ये बैच चल रहा है अभी भी, गंगा जल बैच 2.0, इसको जाकर परचेज कर सकते हो, BR50 कूपन कोड लगा लो, और बेटा 500 रुपये का बैच अभी भी अवेलेबल है, जाकर ले लेना, ठीक है?
500 का बैच है, जाकर ले लेना। चलता हूँ, एक प्यारा सा मोटिवेशन लाइन आपके सामने कि अभी तो केवल सहनाइयाँ बाजी है, ढोल बजाने अभी बाकी हैं, अभी तो केवल गौरैयों ने उड़ान भरी है, असली बाज की उड़ान बाकी है। आप सब बाज हो, आप जब उड़ोगे ना तो इतनी ऊंचाई तक आपको जाना है कि आपको खुद लगेगा कि हाँ हमने मेहनत की थी। 60 नंबर आ रहा है, क्या करें, 10 नंबर जड़े। चलो बहुत बढ़िया अस्मिता, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे। सुधीर कुमार, डेली क्लास लेते रहो, अच्छे नंबर बनने लगेंगे, ठीक है। डेली आओ, जैसे मैं डेली आपको पढ़ा रहा हूँ, डेली आने से कंटिन्यूटी रहती है और आप अच्छे से सारे प्रश्न कर पाते हो। चले, आप हमें विदा करें, ठीक है, विदा करें और चलते हैं, मिलेंगे आपसे कल सुपर लाइन गुरु जी। चलो भाई, विदा करो और जाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो जाके कि क्लास कैसी रही, इसका पार्ट 2 चाहिए या नहीं चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।